एक कलर उस पैलेट से ऐसे कुछ कुछ करके लेंगे और हम सारा डस्ट ऑफ कर देंगे और मुझे ये वीडियो आइडिया आया दिस इज नॉट न्यू आइडिया बट ऐसा वीडियो मैंने अपने चैनल पे कभी किया नहीं है आई हैव नॉट इवन आस्क्ड माय पेरेंट्स और माय सिस्टर Um, there is a mosquito. So, what is today's video? You have seen the title of this video. Gopali is gonna do the voiceover for this makeup look right here. Gopali is an amazing Indian YouTuber. Very content create on her channel. She does a lot of challenges on her channel. So, I reached out to Gopali on Instagram and I asked her would you like to do a voiceover uh, on my channel for a makeup tutorial. And she was like, "Yes, why not? Let's just do this. Let's just see how people will react to it." So, I hope that से देखना और पसंद आए तो मुझे बताना थैंक यू सो मच गोपाली फॉर नाउ विदाउट फर्देज मेकअप टूटो गो है लो गे देखिये मैं कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ और, और ये मैं और ज्यादा सुंदर लगने लग गई हूँ एंड नाउ जस्ट पोजिंग एंड पोजिंग ओके एंड अब मैं यूज़ करने वाली हूँ मामा अर्थ का हैंड सैनिटाइज़र तो मामा अर्थ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं थैंक यू सो मच और हैंड सैनिटाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने ताली भी बजा ली है एंड अब हमने ये कलर बार का कुछ लिया है जो हम पहले नोज़ के आसपास लगा रहे हैं और फिर हम हमारे आ, लिप्स के आजू बाजू भी लगा रहे हैं ओके okay, एंड अब ये हमने कंसीलर ओके कंसीलर लिखा है वहाँ पे तो हमने कंसीलर लिया है एंड हम इसे अच्छे से स्प्रेड uh, कर लेंगे हाँ ओके दोनों आँखों पे करेंगे एक पे करेंगे एक पे नहीं करेंगे अजीब लगेगा अब हमने ये कुछ कलरफुल पैलेट ली है हम हमारे स्किन से मिलता जुलता एक कलर उस पैलेट से ऐसे कुछ कुछ करके लेंगे और हम सारा डस्ट ऑफ कर देंगे अच्छा ओके अब हम इसे ऐसे थोड़ी आई लिड्स के ऊपर लगाएंगे पता नहीं हम ये क्यों कर रहे हैं पर कर रहे हैं शायद बाद में पता चलेगा क्यों कर रहे हैं तो ओके okay, लगाएंगे और और अब हमने थोड़ा और एक डार्क शेड लिया है और इसे भी हम सारा ही झाड़ी देंगे तो जितना मेकअप हमारे फेस पे होगा उससे ज़्यादा हमारे ज़मीन पे होगा और अब जिस पार्ट में हमने पहले वाला कलर नहीं लगाया था वो पार्ट में अब हम ये वाला कलर लगाएंगे एंड लगाएंगे और ब्लेंड करेंगे और और शायद भूल जाएंगे कि हमें रुकना भी था आ, ओके ओ, ओ, हो तो गया अच्छा ओके ओके अच्छा अब हमें कॉर्नर्स में और अच्छे से करना है ताकि अच्छा दिखे अब हम ये ब्रश को देखेंगे अच्छा ब्रश ये हमने ये हमने कुछ किया है जो हमें समझ नहीं आ रहा है अब हमने एक अप, पिंक जैसा शेड लिया है और हम बहुत सारा ले लेंगे और अभी देखना सारा यस अब हम सारा डस्ट ऑफ कर देंगे और ओके अब हम इससे हमारे आइज़ के सेंटर मतलब आइस बंद करके सेंटर में लगाएंगे खोल के मत लगा दीजिएगा अब हम फिर से उसको अच्छे से पूरे ब्रश को ऐसे वो करेंगे वो जो भी कर रहे हैं ये बस यही करना है अब हमने अब हम और वही ब्लेंड करेंगे ब्लेंड करेंगे क्योंकि ब्लेंडिंग से सब ठीक हो जाएगा ओके अब इस आँख पे जादू यस ओके अब ये दोनों एकदम सही लग रहा है अब हम पूरे फेस पे आई गेस ये कंसीलर लगाने वाले हैं आ, ओके तो हमारे पास ये दो कंसीलर हैं अच्छा शेड अलग अलग हैं तो पहले हम आईज़ के नीचे कंसीलर लगा लेंगे और नोज़ पे भी और फोरहेड पे भी और ओहो पिंपल भी हो गया है तो वहाँ पे भी लगा लेंगे एंड लगाएंगे 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 और, और, और अच्छा अब हमने ये दूसरा शेड ले लिया है हम इसे भी थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे क्योंकि क्यों नहीं लगा सकते अब हमने एक बहुत ही भारी सा ब्रश लिया है और बाल जी पीछे रही है ठीक है अब हम इसे अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देंगे पूरे फेस पे पूरे फेस पे इसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद ये हम ले रहे हैं एक ऑरेंज कलर का कुछ ट्यूब है जिसे हम हमारे लिप्स के आजू बाजू लगाने वाले हैं दिस इज एक्चुअली लुकिंग क्वाइट फनी बट कोई नहीं सब्र का फल मीठा होता है आप सब्र रखिए अभी हम बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाले हैं एंड uh, अब हमने ये ले लिया है फाउंडेशन जिसे हम अच्छे से शेक करेंगे और हम हमारे हैंड्स पे इसे ले लेंगे एंड uh, अब हम इसे अच्छे से हमारे पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे बिलीव मी गाइज मेकअप एक इतना अच्छा आर्ट है जो मुझे तो पर्सनली बिल्कुल नहीं आता है आई लव वॉचिंग मेकअप ट्यूटोरियल्स बट आई जस्ट डोंट नो अच्छा अब हम नेक पे भी लगा लेंगे और आ, क्योंकि फिर वो ऐसे अजीब लगेगा दो अलग अलग होगा तो और हम इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे शालिनी थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विथ मी क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत मेकअप का ज्ञान मिल जाएगा अब हम लगाने वाले हैं बनाना पाउडर यूज करने वाले हैं बनाना पाउडर लगाना तो मतलब अजीब हो जाएगा ओके okay. अब हमने uh, ऐसे uh, ले लिया है ब्रश में और हम हमारे आईज के नीचे लगा रहे हैं ऐसे टक 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 आई गेस ये बेस सेट करने के लिए होता है और ये अब शालिनी अपनी आईब्रोज फिल कर रही हैं। no आई हैव नो क्लू कि शालिनी की आईब्रोज लॉकडाउन में भी इतनी अच्छी और ऐसे इतने अच्छे शेप में कैसे लग रही हैं मेरी इतनी बुशी और इतनी वियर्ड लग रही हैं। अगर आपको मेरी आईब्रोज चेक करनी है कितनी फनी लग रही है सो गो चेकआउट माई चैनल एंड दिस इज हाउ आई एम लुकिंग अब ये आई गेस थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है मस्कारा हमें वैसे आई लैश पे यूज करना चाहिए पर आईब्रोज पे पर अच्छा लग रहा है आईब्रोज पे भी तो ठीक है गुड ये इन्होंने पिंक कलर का वापस लिया है अपने ब्रश में और वाओ ये उस पिंक कलर को मतलब काजल की तरीके से यूज करिए विच इज एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग और काफ़ी सुंदर भी लग रहा है ये अब एक और ऐसा शेड लेके उन्होंने अपनी आइज इसे लोअर लैश लाइन पर लगाया है एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल ग्रेट बहुत सुंदर लग रहे हैं आप एंड अब कॉर्नर आइज के कॉर्नर में ये अच्छे से लगा लेंगे ताकि आपकी आइज़ और ज़्यादा सुंदर और निखर के और खूबसूरत लगें हम आईब्रोज़ के नीचे भी लगा लेंगे एंड दिस इज़ आई लैश कर्लर आई हैव ऑनेस्टली नो क्लू की इसे कैसे यूज़ करते हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा स्कैरी दिखता है बट शालिनी इज़ डूइंग इट वेरी नाइसली और अब हम इसके ऊपर मस्कारा वाइट इश ग्रे कलर का मस्कारा लगाएंगे अब हम इसे अच्छे से अपर लैश लाइन पे लगा लेंगे और अच्छा हम वाइट मस्कारा के ऊपर ब्लैक मस्कारा भी लगाएंगे आई डोंट नो हम ये क्यों करेंगे पर करेंगे पर एक्चुअली इससे आई गेस आई अरे आई कह रही हूँ आई और ज़्यादा वैसी लगेंगी वैसी मतलब और ज़्यादा सुंदर सुंदर लगेंगी येस लोअर लैश लाइन पर भी लगा लें अब हमने ये एक ओ -ओ, हाँ हमने ये एक तीन शेड वाला वो लिया है पैलेट इसमें से हम ब्राउन कलर का शेड लेंगे एंड आई गेस दिस इज कंसीलर नो दिस दिसोर यस देखा मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं इसलिए मुझे पता है हम इसे हमारी नोज पे लगा लेंगे जिससे नोज हमारी बहुत ज्यादा ऐसे ऐसी सुंदर लगने लग जाएगी चीक्स पे भी लगा लेंगे सब एकदम ऐसे मस्त शेप में दिखने लग जाएगा एंड जस्ट ब्लेंडेड ब्लेंडेड ब्लेंडिंग इज़ द की टू सक्सेसफुल मेकअप आई गेस मेकअप टिप्स लीजिए मुझसे एंड देन ये पिंक कलर का शेड लेके देखना डस्ट ऑफ कर देंगे सारा का सारा सारा मेकअप नीचे येस आई टोल्ड यू आई नो यू शालिनी एंड बो दिस इज़ अ वेरी प्रिटी शेड काफ़ी सुंदर ब्लश है ये हम इसे अच्छे से लगा लेंगे नोज़ पे भी लगा लेंगे चिन पर भी लगा लेंगे जहाँ जहाँ मर्जी वो लगा लें अब ये हाइलाइटर है और हम इसे चीक बोन्स पे लगाएंगे एंड इसे तो नोज पे भी लगाया जाता है आई नो दिस येस अब इससे एकदम ही ज्यादा शालिनी ग्लो करने लग जाएगी अब ये हमने लिपस्टिक ली है मुझे मेकअप में सिर्फ एक ही चीज आती है वो है ये लिपस्टिक वो भी ऐसी आड़ी टेढ़ी लगती है मुझसे बट दिस लुक्स गुड द शेड इज ऑल्सो ब्यूटिफुल इसके ऊपर हम एक और लिपस्टिक लगाएंगे क्योंकि हमें वैसे भी कहीं जाना है नहीं तो जो मन में आया वो कर सकते हैं हम तो अच्छा ये दो लिपस्टिक मिस, दो लिपस्टिक मिक्स करके हम सुंदर शेड बना लेंगे और ये देखिए कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है हमारी शालिनी कौन है वो जब शालिनी को मुड़ के वापस नहीं देखेगा हु इज ही सो यार डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो घंटी बजा देना लाइक कर देना शेयर करना कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको वीडियो और मुझे देखते रहना बाय बाय आई लव यू ये था आज का कॉन्टेंट मुझे बताना कैसा लगा आपको आई कुडन जस्ट स्टॉप लाफिंग आई एडिटिंग द वीडियो दिस वॉज एंटरटेनिंग कॉन्टेंट जैसे कि मैंने आपको बताया एंड गोपाली गोपालीज डन सच अमेजिंग जॉब चेक आउट गोपाली चैनल गाइज उनकी चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो या नेक्स्ट टाइम विद याद कॉन्टेंट फॉर दिस चैनल यू कैन चेक आउट अदर दिसनल राइट हियर दिस इज अडियो डिड विद माई मॉम कुकिंग सम अमेजिंग उड़िया डिश दैट इज लव पिठा एंड दैट्स माई क्वारंटीन विद मी प्ले लिस्ट बाय